अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमशीन्स वर्ल्ड। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये वाला आई मेकअप लुक क्रिएट करके बताने वाली हूँ। बहुत ही प्यारा सा लुक है और बहुत ही आसानी से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसे क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, ये थोड़ा सा ऑरेंज या रेड के टोन में जा रहा है, तो ये वाला शेड मैं लूँगी। और आईज को मैंने पहले ही बेस वगैरह सब लगा दिया है और सेट कर लिया है, तो डायरेक्ट मैं आई शेडो से स्टार्ट करूँगी। तो मैंने ये वाला शेड लिया है और ये जो आई शेडो पैलेट है ये है हुदा ब्यूटी स्टोरी माई लव आई शेडो पैलेट। और इसका मैं फुल रिव्यू बना चुकी हूँ, काफ़ी डिटेल में इसकी वीडियो है, सारी डिटेल्स उस पर मैंने शेयर की है, इसके स्वैचेस और इसका प्राइस वगैरह सभी बातें उसमें बताई हैं, बहुत डिटेल में वो वीडियो है, तो आप वो वीडियो ज़रूर एक बार देखें। तो ये वाला जो शेड मैंने लिया है इसको मैं अपनी क्रीज में और आउटर वी में ब्लेंड कर रही हूँ। देखिए, ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छी तरह से करनी है, तभी आपका जो आई मेकअप है वो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ये है दूसरा आई शेडो पैलेट और इसमें से मैंने ये वाला जो ब्राउन शेड है, डार्क ब्राउन शेड है, वो उठाया है और उसको थोड़ा सा मैं डार्क करने के लिए उसी शेड के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ जो शेड मैंने पहले लिया था। ये वाला आई शेडो पैलेट है स्विस ब्यूटी फैशन आर्टिस्ट आई शेडो पैलेट और इसका रिव्यू भी मैं बना चुकी हूँ, तो आप एक बार वो भी देख लें। तो इस शेड को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे उसी शेड के ऊपर। और ज़रूरी नहीं है कि आप भी दूसरा आई शेडो पैलेट यूज़ करें, अगर आपको एक ही आई शेडो पैलेट में सारे कलर्स अवेलेबल हों तो आप उसी आई शेडो पैलेट से अपना पूरा आई मेकअप लुक कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मुझे एग्जैक्ट शेड चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ पर आई शेडो पैलेट को चेंज किया है। तो अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद वापस से मैं ये वाले आई शेडो पैलेट में से ये वाला जो येलो शेड है ये लूँगी और इसे अपने इनर कॉर्नर से हाफ आईलिड तक अप्लाई कर लूँगी। ये मैट शेड है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला येलो शेड, ये मैट शेड नहीं है, थोड़ा सा क्रीमी शेड है, और इस शेड को इसी शेड के ऊपर मैं अप्लाई करूँगी जो येलो शेड मैंने अपने इनर कॉर्नर से हाफ आईलिड तक अप्लाई किया था, उसी के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अब इस वाले आई शेडो पैलेट में से ये वाला रेड शेड लूँगी और इसे अपने आउटर वी में अप्लाई करूँगी ताकि हल्का सा रेड कलर का टोन आए आउटर वी से, ये ब्राउन ना लगे, थोड़ा सा चेंज शेड लगे इसीलिए। ये वाला जो आई शेडो पैलेट है ये है स्विस ब्यूटी प्रोफेशनल आर्टिस्ट 24 कलर आई शेडो पैलेट और इसमें से मैंने ये शेड लिया है और इसका भी रिव्यू मैं बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। अब वापस से हुदा ब्यूटी के आई शेडो पैलेट से ये वाला जो गोल्डन ग्लिटर है ये वाला शेड मैं अपने इनर कॉर्नर से लेकर हाफ आईलिड तक अप्लाई कर लूँगी फिंगर की मदद से, क्योंकि जो ग्लिटर है ये ब्रश की हेल्प से अप्लाई नहीं होगा, तो आप अपनी फिंगर का ही इस्तेमाल करें। अब उसी पैलेट से ये ब्राउन शेड और ये वाला हल्का सा रेड शेड जो है, इन दोनों को मिक्स करके मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर इसे अप्लाई कर लूँगी। अब बारी आती है आईलाइनर की, और आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्लैमी कॉस्मेटिक्स का सुपर ब्लैक आईलाइनर। अब बारी आती है इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन को हाईलाइट करने की। तो हाईलाइट करने के लिए आप आई शेडो पैलेट में से कोई भी लाइट शेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सॉफ्ट टच बेक्ड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इसका रिव्यू मैं बना चुकी हूँ, इसकी सारी डिटेल्स, प्राइस और इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ मैं उस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार मेरे चैनल पर विज़िट करके ज़रूर देखें। अब मैं यहाँ पर फॉल्स लैशेज अप्लाई कर रही हूँ और ये है रॉयल हेवन 6D फॉल्स आई लैशेज, इसका नंबर है 055। अब फॉल्स लैशेज और रियल लैशेज अलग अलग ना लगें इसके लिए मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, ये है मेबलिन का मस्कारा, काफ़ी अच्छा मस्कारा है। और फिर फॉल्स लैशेज के बिल्कुल ऊपर से एक और कोट आईलाइनर की अप्लाई करूँगी, ये वही क्लैमी कॉस्मेटिक्स का आईलाइनर है।
तो चलें जी, आई मेकअप लुक हमारा कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी इजी था और किसी भी आई शेडो पैलेट की हेल्प से आप ये आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी आई शेडो पैलेट जिसमें ये सारे शेड्स अवेलेबल हों तो आप काफ़ी आसानी से ये वाला आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और ये बताएँ कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर नया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।